शहजादी डायना। काफी अरसा पहले एक सल्तनत थी, वो इतनी दूर थी कि वो बिल्कुल परी देश के पास थी। आज के दिन बादशाह और मलिका बेहद खुश थे क्योंकि उनके यहाँ एक प्यारी सी लड़की पैदा हुई थी और उन्होंने एक आलीशान जश्न का ऐलान किया था जहाँ परी देश की सभी परियों को नाम की तफरीब के लिए बुलाया गया था ताकि वो शहजादी को सबसे उम्दा दुआओं से बख्शे। ओह, मैं तो सभी परियों के आने के लिए बेताब हूँ। वो मेरी बच्ची पर तोहफों की बारिश कर देंगे, शायद बेशुमार दौलत या फिर मुकम्मल हुस्न या शायद थोड़ी बहुत जादुई ताकत। बादशाह और मलिका ने एक आलीशान और खूबसूरत तफरीब का तंजीम किया। शहजादी का नाम शहजादी डायना रखा गया। सभी परियों ने बच्ची को उम्दा तोहफों से नवाजा। आखिर में थी परी काफिला, परी देश की मल्लिका। परी काफिला आगे बढ़ी और उसने बच्ची को चूमा और उसे एक बेखौफ दिल होने की रहमत से नवाजा। सभी ने उसे चूमते हुए देखा पर किसी ने भी उसे रहमत देते हुए नहीं सुना। मल्लिका ने अपने साथ खड़ी हुई मोहतरमा से फुसफुसाया, ओ, उसने बस तुम्हें चूमा दिया? इसमें रहमत जैसी तो कोई चीज नजर नहीं आती, इसे तो तोहफा भी नहीं कह सकते, है कि नहीं? परी काफिला ने सब कुछ सुन लिया था। उसने मल्लिका की इस बेइज्जती का बुरा नहीं माना और उसने फैसला किया कि वक्त आ गया है कि उन मल्लिकाओं को एक सबक सिखाया जाए कि मेहमानों से कैसे पेश आते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मेरा तोहफा पसंद नहीं आया है तो मैं एक और देती हूँ। तुम बेनूर दिल वाले शहजादे से निकाह करोगी। बादशाह और मल्लिका घबरा गए और सत्ते में आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि एक बेनूर दिल वाला शहजादा वो होगा जिसमें ना तो कोई मोहब्बत होगी और ना वो नेक दिल का होगा और ना ही वो किसी को खुशी दे सकेगा। उन्हें लगा कि एक बेनूर दिल वाला शहजादा ऐसा होगा जो एक जालिम इंसान होगा। हमारी बेटी एक बेनूर दिल वाले शहजादे से कभी निकाह नहीं करेगी। हम एक परी की बद्दुआ के आगे क्या कर सकते हैं? मैं एक बादशाह हूँ और अपनी बेटी को महफूज रखूंगा। तो बादशाह ने एक खूबसूरत आलीशान बगीचा बनवाया। बगीचा सबसे मीठे फलों से और खुशबूदार फूलों से लैस था। बगीचे के बीच में उसने एक मीनार बनवाई और बगीचे के चारों ओर इतनी ऊंची दीवार बनवाई कि सिर्फ सूरज की रोशनी ही अंदर आ सके। बगीचे को तीन अजीम फाटकों से बंद किया गया। बगीचे को तीन बड़े बड़े दरवाजों से बंद किया गया ताकि कोई भी इंसान उस किले के अंदर दाखिल ना हो सके। और इसी मीनार में ही शहजादी बड़ी हुई। वो इस बगीचे को छोड़ना चाहती थी और दीवार के उस पार की दुनिया देखना चाहती थी। वो उदास थी, उसे अपने दिल में जरा भी खुशी महसूस नहीं होती थी। वो परियों के किस्से पढ़ती थी और उन्हीं किस्सों में कहीं खो जाती थी। पर उसे रैपंज़ेल का किस्सा बेहद पसंद था क्योंकि वो भी उसी की तरह मीनार में कैद थी। हमने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि तुम इस मीनार के बाहर नहीं जा सकती हो? तुम पर तो बद्दुआ नाजिल है। मेरी बच्ची डायना, तुम पर बद्दुआ नाजिल है। अम्मी, हम ये यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो एक बद्दुआ है? आपको पता है ना, परियां ज्यादातर पहेलियों में बात करती हैं, इसीलिए जरूरी नहीं कि वो शहजादा हकीकत में बुरा इंसान होगा। इसका और क्या मतलब हो सकता है डायना? मुझे नहीं पता, पर ये मान लेना भी गलत होगा कि ये बुरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अबू, मैं ऐसे कैद क्यों रहूं? बस इसलिए क्योंकि एक शहजादे के पास अजीब दिल है? बस बहुत हुआ डायना, क्या तुम प्याली को मेज पर ठीक से नहीं रख सकते हो? माफी, बच्चे सलामत। माफी मेरी ज्यूती, दफा हो जाओ। अबू, ये इसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने ही चाय गिराई थी। डायना, अपने अब्बू से इस तरह पेश आते हैं क्या? माफी चाहती हूँ अम्मी। अब्बू, मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी। बादशाह होने के नाते आपको हमारे देश के कानून का कामिल होना चाहिए। आप खुद की गलती के लिए दूसरों पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं?
ओह डायना, मैं अपने अब्बू की ओर से आपसे माफी चाहती हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, वो मेरी हिफाजत के लिए परेशान है। नहीं शहजादी साहिबा, मेहरबानी करके मुझसे माफी न मांगे। आप बहुत नेक दिल हो, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सल्तनत से थोड़ी ही दूर एक शहजादा दुनिया देखने के लिए अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था। एक रोज जैसे ही वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वो बहुत ही बीमार लग रहा था। क्या बात है हुजूर? मैं अपने घर कैसे पहुंचूं जो उस पहाड़ पर है, क्योंकि इस धूप की वजह से मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं बची है चढ़ने की। मैं आपको अपने घोड़े पर ले जाऊंगा। हाँ नहीं, पहाड़ बहुत ही बुलंद है, तुम्हारा घोड़ा चढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं आपको पीठ पर उठाकर आपके घर ले जाऊंगा। और शहजादे ने बिल्कुल वही किया। शहजादे, तुम वाकई में एक नेक दिल इंसान हो। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। तुम्हारे आने वाले दिनों में मैं बहुत मुसीबतें देख रहा हूँ, पर साथ ही एक बेखौफ दिल वाली शहजादी तुम्हें बचा लेगी। वो नेक भी है और बहादुर भी, और वो तुम्हारी सच्ची हम सफर बनेगी। बुजुर्ग आदमी ने शहजादे को बताया कि उसे शहजादी को ढूंढने के लिए कहां पर जाना होगा, और उसने ये भी बताया कि शहजादी का बेखौफ दिल ही अपना तारुफ खुद कर देगा। तो शहजादा कई दिनों तक सफर करता रहा। वहां शहजादी के महल में उस रात एक अजीब मेहमान ने दस्तक दी। हेलो शहजादी। अरे आप मेरी बड़ी काफिला है। ओह तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमने सुना है मेरे बारे में या मेरी बद्दुआ के बारे में सुना है? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? भला मैं आपसे नाराज क्यों रहूं? मेरा मानना है कि अपने आप में ही ना तो कोई बद्दुआ होती है और ना ही कोई रहमत होती है। वक्त आ गया है कि तुम अपने मुस्तकबिल को गले लगाओ। उसके लिए तुम्हें इस महल को छोड़ना होगा। काश। मैं तुम्हारी परी काफिला हूँ, अगर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद करना, ठीक है? ये आज रात के लिए थोड़ा सा जादू ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, समझी? जादू? याद रखना, जादू सिर्फ उनके लिए काम करता है जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो उस रात डायना बगीचे में सैर के लिए निकल पड़ी, उन जादुई पत्थरों को साथ लिए। अचानक महल पर एक कोहरा छा गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक डायना के आगे एक अजीब सी रोशनी नाजिल हुई और उसने उसे पीछे आने के लिए कहा। आओ, आओ डायना, रोशनी के पीछे आओ, अपने मुस्तकबिल की ओर बढ़ो। डायना ने उस रोशनी का पीछा किया। मौजीजाना तौर पर बगीचे के तीनों फाटक उसके लिए खुल गए। हाँ? डायना को यह एहसास हुआ कि जो सिपाही दरवाजे पर पहरा दे रहे थे वो उसे नहीं देख सकते थे। तो इसका मतलब परी काफिला सच में चाहती है कि महल के बाहर चली जाओ। अपने मुस्तकबिल को गले लगाओ। कोहरे को पार कर डायना उस रोशनी का पीछा करती रही और महल के बाहर पहुँच गयी। बाहर जाते ही महल के दरवाजे बंद हो गए और वो उस रोशनी का पीछा करते करते जंगल के अंदर चली गई, और वो जंगल में खड़ी थी कि रोशनी चांद के अंदर गायब हो गई। अपनी जिंदगी में पहली बार शहजादी उस महल के बाहर आई थी और वो सब कुछ देख हैरान थी। क्या बाहर की दुनिया ऐसी लगती है? ये तो बेहद खूबसूरत है। डायना काफी देर तक जंगल के बीच ही खड़ी रही, चांद को महसूस करते हुए और रात की खुशबू और आवाज को महसूस करते हुए। अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने देखा कि कुछ लोग एक बाघ के पीछे पड़े हैं। उनके हाथों में तीर और कमान थे और वो हमले के लिए तैयार थे। वो बेचारा बाघ उनसे भागने की कोशिश कर रहा था और वो एक तालाब के पास जाकर रुक गया।
शहजादा जो पास में ही सो रहा था उसने भी उस बाघ की आवाज को सुना और वो उस आवाज की तरफ बढ़ा। रुको, इसे मत मारो, इस बेचारे जानवर को जाने दो। रास्ते से हट जाओ, इस बाघ ने हमारे लोगों पर हमला किया है। तो फिर अपनी जमीन के आगे एक दीवार बना दो, पर इस बेचारे जानवर को जाने दो। अपनी तीर कमान नीचे रख दो अभी। ये तुम्हारी शहजादी है, इस पर हमला करने की जरूरत मत करना। क्या? सच में? तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? मुझे बताया गया था कि एक बेखौफ दिल वाली शहजादी इसी सल्तनत में रहती है। और तुम कौन हो? मैं हूँ एडविन, ग्रीनलैंड का शहजादा, एक सल्तनत जो पहाड़ों के पार है। मैंने ऐसी बेनफसी और बहादुरी आज तक नहीं देखी है शहजादी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो शहजादे एडविन? मैं एक साल तक दुनिया की सैर करना चाहता था और जहाँ जरूरत हो वहाँ मदद करना चाहता था। अभी अभी तुमने मेरी मदद की है, शुक्रिया। क्या तुम मेरे साथ सैर पर चलना चाहोगी? बेशक, क्यों नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो उस खतरनाक जंगल की ओर बढ़ रहे हैं जो उस साहिर का है जिसके पास 3 ड्रैगन्स हैं। साहिर लोगों को यूं ही परेशान करता था और शौकिया तौर पर उन पर जादू का इस्तेमाल करता था। उसने क्रिस्टल बॉल में शहजादा और शहजादी देख लिए थे तो उसने एक बुजुर्ग आदमी की शक्ल इख्तियार की। इस जंगल की सैर करना मना है क्योंकि यह उस 3 ड्रैगन वाले साहिर का है जो काला जादू करता है। ओह, क्यों ना आज रात तुम मेरी छोटी सी कुटिया में बिता लो। कल सुबह तुम जा सकते हो क्योंकि सुबह होते ही उसकी कुव्वत कमजोर पड़ जाती है। और इस तरह वो साहिर जो लोगों को खुश देखकर जलता था उसने शहजादे और शहजादी को गुमराह किया और अपने घर ले गया। वहाँ पर जब उन्होंने उसके डरावने घर में खौफनाक मसनोई को देखा शहजादे का दिल थोड़ी देर के लिए खौफ से भर गया था और साहिर इसी मौके का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके जादू टोने को काम करने के लिए उसे खौफ की जरूरत थी। ये कितनी डरावनी जगह है डायना। हाँ, अजीब है पर मुझे ये डरावना नहीं लगता है। साहिर ने उन दोनों पर एक जादू टोना नाजिल किया पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका असर सिर्फ शहजादे पर ही हुआ है क्योंकि डायना को खौफ नहीं था, जादू का असर उस पर नहीं हुआ। उस जादू टोने की वजह से शहजादा पत्थर में तब्दील हो गया, डायना सत्ते में आ गई। पर ये देख कर के जादू का असर डायना पर नहीं हुआ साहिर और भी ज्यादा सत्ते में आ गया। आखिर तुम पर यह जादू का असर क्यों नहीं हुआ शहजादे? हजारों सालों तक ऐसा कोई नहीं था जिस पर मेरे जादू का असर न हुआ हो। अचानक साहिर का तहखाना टूटने लगा। शहजादी अपने शहजादे को पत्थर बनते देखकर उदास हो गई थी पर वो बेखौफ शहजादी को याद आया उन काले पत्थरों के बारे में जो परी काफिला ने उसे दिए थे। उसने उसमें से एक पत्थर लिया और राजकुमार के जिस्म को छुआ और धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगा और वो राजकुमार वापस जिंदा हो गया। उसी समय सूरज की पहली रोशनी आई और उसने हजारों पत्थरों को देखा और उसे एहसास हुआ कि ये वही लोग हैं जिन्हें साहिर ने पत्थर में तब्दील किया था। अब मेरे पास बस एक ही पत्थर बाकी है और अभी हजारों लोगों को बचाना भी बाकी है। मेरी मदद करो परी काफिला, अब मैं क्या करूं? उस पत्थर को लेकर साहिर के क्रिस्टल बॉल को छुओ पर उससे पहले ओ शहजादे, उस साहिर को क्रिस्टल बॉल तक लेकर जाओ और उसे 3 ड्रैगन के पास बांध दो। शहजादे और शहजादी ने ऐसा ही किया। जैसे ही डायना ने पत्थर से क्रिस्टल बॉल को छुआ उस क्रिस्टल बॉल से पानी बहने लगा और पानी चारों ओर भर गया और जैसे ही पानी ने मूर्तियों को छुआ सभी लोग वापस जिंदा हो गए। और जैसे जैसे सभी लोग जिंदा होने लगे साहिर धीरे धीरे पत्थर में तब्दील होने लगा और अब इसी तरह वो जिंदगी भर रहेगा। शहजादी डायना और शहजादा वापस डायना के महल में चले गए। बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी शहजादी डायना से निकाह करना चाहता हूँ। पर क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी पर बद्दुआ नाजिल है और उसका निकाह बेनूर दिल वाले शहजादे के साथ ही होगा। क्या क्या कहा आपने? क्या आप एक बार फिर से वो नाम दोहराएंगी?
बेनूर दिलवाला शहजादा मेरी बेटी से। रानी साहिबा, मैं ही हूँ वो बेनूर दिलवाला शहजादा। क्या? क्या? खैर, मेरे लोग मुझे नेक दिल शहजादा समझते हैं, जो लोगों की जिंदगियों में प्यार, उम्मीद और खोई हुई खुशियों का नूर लाता है। वो कहते हैं कि मैं बेनूर दिलों में नूर लाता हूँ, और इसीलिए वो मुझे बेनूर दिलवाला शहजादा कहते हैं। कुछ सालों पहले यही तोहफा उन्होंने मुझे दिया था। इस मीनार में कैद होकर मैंने उम्मीद और खुशी का नूर ही खो दिया था, और इसलिए परी काफिला ने मुझे तुम तक पहुंचाया। मैंने आपसे कहा था ना, हमें इसे बद्दुआ नहीं समझना चाहिए। ये एक बद्दुआ हो सकती थी डायना, अगर तुम उस बाघ के लिए नेक दिल और उस साहिर के लिए बेखौफ नहीं होती। मुझे माफ करें क्योंकि नाम की तफरीब में मैंने आपकी बेइज्जती की थी। मैं नादान और कमज़र्फ थी, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। बेशक परी काफिला ने मलिका को माफ कर दिया, और बेनूर दिल वाले शहजादे और शहजादी डायना का निकाह हो गया, और वो राजी खुशी रहने लगे। और इसलिए कहते हैं, अगर हम एक नेक दिल शख्स हैं जो हमेशा से सही चीजें और दूसरों की मदद करते हैं, और अगर हम बेखौफ हैं, तो हम बुरे हालात को भी एक रहमत में बदल सकते हैं।